और बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर वहां पर सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं, और ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बहुत जल्द ही पाला बदलने की तैयारी में शायद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर आकर बिहार सरकार भंग कर सकते हैं और एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी आलाकमान ने नीतीश की वापसी को हरी झंडी दी है, ये भी खबर सूत्रों के हवाले से ही है। इस खबर के बाद बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली आ रहे हैं और इस बीच नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से बात की है, ये भी खबर आ रही है। अखिलेश हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अखिलेश, बीजेपी के खेमे से खबर क्या है, क्या नीतीश कुमार पाला बदलने की तैयारी में हैं और किस वजह से ये हलचल तेज हुई है? देखिए, अभी तक औपचारिक रूप से तो कोई इस पर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सियासी गतिविधियां काफ़ी तेज़ हैं, बल्कि कई दिनों से गतिविधियां पर्दे के पीछे चल रही हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक संभावना इस बात की है कि विधानसभा भंग हो, और ये भी कोशिश होगी कि बिहार विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ ही करा लिए जाएं। लेकिन प्रश्न ये है कि तब तक, यानी जब 3 महीने तक जब समय रहेगा, इस समय तक मुख्यमंत्री कौन रहेगा? क्या नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे या बीजेपी चाहेगी कि उसका अपना कोई मुख्यमंत्री हो? तो ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर कि अभी जवाब नहीं मिल पाया है। इस बीच जो हमें जानकारी मिली है, बीजेपी के जो राज्य के नेता हैं उनसे भी पार्टी आलाकमान चर्चा कर रहा है, विचार मंथन कर रहा है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कुछ देर में उनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हो सकती है। सुशील मोदी भी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उधर नीतीश कुमार के खेमे भी काफ़ी हलचल है। वहाँ पर भी पटना में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने भी कोशिश की है नीतीश कुमार से बात करके उनको मनाने की। कांग्रेस पार्टी के सूत्र भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और अब बीजेपी के साथ वो आ सकते हैं। इसमें बीजेपी को का अपना आकलन ये है कि उसमें उसको फायदा है, क्योंकि अगर विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं तो जो मोदी फैक्टर है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ काम करता है, वो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के साथ काम कर सकता है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी ज़्यादा झंझट नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार 17-17 और 6 रामविलास पासवान ने सीटें लड़ी थी, तो वही फार्मूला इस बार हो सकता है। 4 सीटें चाचा भतीजी को दे दी जाए, एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दे दी जाए, बाकी 17-17 सीटों पर जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ लें, तो ये भी मोटे तौर पर तय है। लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव होते तो फिर क्या पुराना फार्मूला जिस पर कि बीजेपी जेडीयू अभी तक लड़ते आए वो रहेगा, या कोई नए समीकरण बनेंगे? ये सारे सवाल अभी शायद थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन बिल्कुल अभी तो सवाल तैयार रहे जी। सीटों के भी बंटवारे कैसे होंगे और क्या वो आगे की बात है, इस वक्त क्या पॉलिटिकल गतिविधियां वहां पे रही और किस तरह की तेजी देखी जा रही है? मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश फोन लाइन पे। मनीष, बिहार में इस तरह से क्या पॉलिटिकल उठापटक, सियासी उठापटक रही जो अब ये खबरें चल रही हैं? कहीं कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर क्या है वहां पर हलचल सियासी? नीतीश कुमार नाराज हो गए, लालू ने नीतीश को फोन किया, नीतीश बीजेपी में जा सकते हैं, तो वो क्या चीजें थी जो यहां तक नौबत पहुंच गई है? देखिए, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ उन्होंने नाता तोड़ा था और बाद के दिनों में, यानी कि हाल के कुछ महीनों तक उनकी जो गतिविधियां रही थी वो ये इस बात पर केंद्रित थी कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके खिलाफ एक सशक्त गठबंधन को कैसे असली जामा पहनाया जाए, अमली जामा पहनाया जाए। और उसके बाद में लेकिन उनको इस प्रयास में काफी निराशा हाथ इसलिए लगी क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का रुख रहा, कांग्रेस पार्टी का काफी टालमटोल वाली नीति रही, क्योंकि वो सीटों को लेकर बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे कि आप सीटों का समझौता जो है वो जल्द से जल्द कर लें, लेकिन उस पर बात नहीं बनी। और अब जो है लग रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सारी बातें एक तरह से फाइनलाइज कर ली है और उसी स्क्रिप्ट के तहत जो है कर्पूरी ठाकुर को, जो प्रख्यात समाजवादी रहे हैं, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अति पिछड़ी राजनीति के की जो है पूरी धुरी वही रहे, अभी तक बिहार की राजनीति में वही धुरी माने जाते रहे हैं, तो जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और कल जिस प्रकार नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अति पिछड़ा सम्मेलन में परिवारवाद का को मुद्दा बनाया, वो सब कुछ एक स्क्रिप्ट के तहत है। और तीसरी एक और अहम बात नगमा की उसी सभा में नीतीश कुमार ने जब मीडिया वालों की तरफ इंगित किया तो हमेशा वो मीडिया को
की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आपके ऊपर तो एक नियंत्रण हो गया है, यानी कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखते थे, लेकिन कल उनके मुंह से वो वाक्य उन्होंने एक बार फिर से दोहराया नहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है और खासकर नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे तो यही लग रहा है कि फिलहाल इस महागठबंधन से उनका मोहभंग हो गया है। लेकिन मोहभंग से पहले वो हमेशा अपना होमवर्क, राजनीति में जो कहा जाता है कि अपना सॉलिड होमवर्क उन्होंने किया हुआ है, और उसी के तहत अब वो एक एक कदम चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये महागठबंधन की सरकार आप मान सकती हैं कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन जो नई सरकार आएगी वो उसका क्या रूप होगा। और ये जो अखिलेश कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव भी साथ साथ होंगे, विधानसभा चुनाव इसलिए नीतीश कुमार साथ साथ कराना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का एक तरह से आप कह सकते हैं अपर हैंड होता है, वो विधानसभा चुनाव में वही असर या वो जादू काम नहीं करता है। तो वो चाहते हैं कि कम से कम उनकी पार्टी का भी स्ट्राइक रेट जो है 2020 की तुलना में बेहतर हो। इसी के लिए उन्होंने एक तरह से बीजेपी को ऑफर किया है कि आप बिहार विधानसभा चुनाव को भी साथ साथ कराएं। इसके लिए उन्हें विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करनी होगी, लेकिन उसमें दिक्कत यह होती है नगमा कि फिलहाल का जो कैबिनेट है तो वो शायद इस बात के लिए तैयार नहीं हो। तो वो जी मनीष जैसा बात कर रहे थे अखिलेश के विधानसभा भंग भी हो सकती है, और एक अजीब बात है कि महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये लग रहा है वो नीतीश कुमार जो एक तरह से सूत्रधार बनने वाले थे इसके, और अब वो तो ये हुआ क्या? और नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और अब आपको लग रहा है कि आधिकारिक तौर पर तो नहीं लेकिन ये हरी झंडी मिल गई है उनको। देखिए दो तीन बातें, जो बात मनीष ने कह रहे हैं उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जब बेंगलुरु में INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी तो उसके बाद हमने एक स्टोरी की थी जिसमें ये कहा था कि नीतीश कुमार नाखुश हैं। आपको ये भी याद होगा कि तब उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं थे, वापस आ गए थे। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि उनके बीजेपी छोड़कर JDU RJD के साथ जाने के बाद जो विपक्षी एकता है उसमें मोमेंटम बना। एक तरह से उन्होंने अपने हाथ से इस पूरे INDIA गठबंधन का सूत्रपात किया, लेकिन जब गठबंधन की कमान देने की बात या संयोजन की बात या सीटों के बंटवारे की या साझा रैलियों की, इन सब तमाम बातें आई तो उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और कांग्रेस ने सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए। तो इसको लेकर के उन्हें समस्या थी। उसके बाद मुंबई में बैठक हुई, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई, किसी भी बैठक में वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए और हर बैठक के बाद यही खबर आती थी कि वो नाराज है। बल्कि दिल्ली में तो यहाँ तक हुआ कि जब उनका नाम कन्वीनर के लिए रखा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कन्वीनर नहीं बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को बना दिया जाए। उन्हें इस बात की शिकायत थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आप जब कर रहे हैं, आप जब उनको चेयरमैन बना रहे हैं INDIA गठबंधन का, तो फिर कन्वीनर पोस्ट का मतलब क्या है? और दूसरी बात कि इतना समय हो चुका है, ये बात कब 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब आप कर रहे हैं, ना सीटों की बंटवारा हुआ है ना कुछ हुआ है, तो ये भी एक कारण रहा है। दूसरा, बीजेपी को तो देखिए दोनों हाथों में लड्डू हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास था कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती, जैसे कि संभावना थी कि अगर JDU साथ में ना हो, तो उसको उतना फायदा नहीं होता। 2019 की जो परफॉर्मेंस थी वो रिपीट नहीं कर पाती, क्योंकि ये जमीनी हकीकत है बिहार की, तीन पार्टियों में दो पार्टियां जहां होती हैं उनका पलड़ा भारी होता है। तो ये बीजेपी को सूट करता है कि नीतीश कुमार आ जाए, चाहे उनकी ताकत कमजोर हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप देखें केवल 45 सीटें वो जीत करके आए, नंबर 3 की उनकी पार्टी बन गई, और इसके लिए भी वो बीजेपी को दोषी मानते थे कि चिराग पासवान को आपने पर्दे के पीछे से समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी ने चिराग को अलग कर दिया। अब उस तरह की कोई दिक्कत है नहीं और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नीतीश अब अपने उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब उन्हें अपनी पार्टी का भविष्य लगता है, एक चिंता होती कि क्या होगा मेरे बाद, मेरी पार्टी का क्या होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि एक बड़ी पार्टी के साथ में वो रहें ताकि उनकी पार्टी की भी देखभाल ठीक से। अखिलेश हमारे साथ कन्हैया बिलारी भी जुड़ गए हैं और एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम, और लौटेंगे खबर पे। कन्हैया बिलारी हमारे साथ जुड़े हैं। आप जाने के पहले कन्हैया जी आपसे एक छोटा सा सवाल कि ये जो अभी हुआ है यहाँ पर, नीतीश मानेंगे वापस महागठबंधन में जा रहे हैं या तय है कि वो निकल जा रहे हैं और महागठबंधन से मोह भंग हो गया उनका? नीतीश कुमार को जब प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं बनाया गया तो अब कहां से रहेंगे वो तो उनको जाना, उनका जाना तय है।
एक तरह से कहिए कि वो चले गए हैं और भाजपा के साथ अपना पूरा जो भी डील होना था वो सब डील कर लिए हैं, लेकिन ये लगता है हमें कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं, भाजपा उस पर तैयार नहीं हो कि उनको चीफ मिनिस्टर रहेगा। भाजपा चाहेगी कि मेरा चीफ मिनिस्टर हो। अब नीतीश कुमार सबसे पहले एक बात ये भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराने के लिए तैयार हो, इस पर लालू यादव तैयार नहीं थे, इसीलिए आप देख रही हो। नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी जिस जिस तेजी से ये पाला बदल रहे हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता? लोगों में क्या संदेश जाता है इससे? कन्हैया बेलारी आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बताइए बताइए, क्या सवाल था? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि नीतीश की अपनी साख पे क्या इसी है जो इतनी जल्दी जल्दी पाला बदलते हैं, स्क्रिप्ट लेके तैयार बैठे थे और अब दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, तो उनका, क्योंकि उनको आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं बनाया गया प्राइम मिनिस्टर का, तो उनकी पार्टी या उनके ऊपर बतौर एक नेता या लोगों का विश्वास जो उन पर है उस पर क्या असर पड़ता है? बोलिए। अब एकदम इसकी चिंता उनकी उनको नहीं है। नीतीश कुमार की उपलब्धि अब यही मानी जाएगी, सबसे बड़ा उपलब्धि नीतीश कुमार की क्या है, ये अलग पलट करते रहते हैं, यही उनकी उपलब्धि है, अविश्वसनीय अविश्वसनीय है। अब ये इनकी जितनी भी शाख जो है, हाँ उलट पुलट करते रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाएगी। और इनका पॉपुलरिटी ये समझ लीजिए और इमेज दोनों समझिए कि समाप्त है, यही माना जाएगा। अब इतना आप दबाव बना रहे थे, 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं, एक भी विधायक तैयार नहीं है, ना जानागर के तैयार है, ना जेडीयू के तैयार है, या बीजेपी के भी तैयार नहीं है। तो इसीलिए अब इनका देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ हम भी हैं, ये भी कह रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, तो कोई ना कोई एक बहाना चाहिए था जहाँ एकजुट हो जाए, मेरे मिले सुर मेरा तुम्हारा, होगी आगे क्योंकि शुरुआत है। नीतीश कुमार उन गिने चुने पार्टियों में से एक हैं, नेताओं में से, जिन्होंने कि एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। तो अभी जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति है तो उसमें साफ कहा गया साथ साथ चुनाव होने चाहिए, तो नीतीश कुमार उन लोगों में से हैं, तो अगर साथ चुनाव होते तो उसके तो हमेशा पक्ष में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश और कन्हैया बेलारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तो सियासी हलचल बिहार में तेज हुई है और उसके ऊपर काफी खबरें अभी आएंगी, लेकिन ये लगभग तय है कि नीतीश कुमार का मोहभंग हो चुका महागठबंधन से और एक बार फिर वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि सारी खबरें अभी कहीं भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि इनकी नहीं की गई है, लेकिन